एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफरेंट फॉर्मूलाज के बारे में जो कि इकोलॉजी में अप्लाई किए जाते हैं। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो सीएसआर नेट, डीबीटी, जेआरएफ, गेट, बार्क एग्जाम और भी ऐसे एग्जाम जिसमें इकोलॉजी पूछा जाता है, ऐसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो के लिए ऑफकोर्स स्टूडेंट्स ने ही सजेस्ट किया है मुझे कि सारे फॉर्मूलों को एक ही वीडियो में रख दिया जाए, जिससे कि उनको रिवीजन टाइम में वीडियो के थ्रू रिवीजन करने में काफी ज्यादा आसानी हो। मुझे भी ये आइडिया अच्छा लगा, सो दैट इज व्हाई आई एम प्रेजेंटिंग दिस वीडियो इन फ्रंट ऑफ यू। ओके, मेक श्योर मैं इस वीडियो में फॉर्मूले का रिवाइज फॉर्म लेके चलूंगी। जितनी भी चीजों से रिलेटेड मैं आपको कंसेप्ट बता रही हूँ, पूरा तो नहीं लेकिन मैक्सिमम हद तक जो टॉपिक है वो टीचिंग पाठशाला पे कवर हुआ है। अगर आपको जानने में इंटरेस्ट आता है तो आप इकोलॉजी का जो प्लेलिस्ट है जो इसी चैनल पे अवेलेबल है, आप उसे विजिट कर सकते हैं। पहला फॉर्मूला हमारे सामने आता है मार्क रिकैप्चर टेक्निक का। ये एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें मान लीजिए अगर हम एक एरिया है, जैसे एग्जाम्पल के लिए एक पॉन्ड ले लेते हैं, पॉन्ड में बहुत सारी मछलियां हैं, बहुत सारी फिशेस हैं। हम चाहते हैं कि हम सारी फिश को गिने और हम पता करें कि उस पॉन्ड में पॉपुलेशन का साइज कितना है। इसे हम पॉपुलेशन डेंसिटी का भी नाम देते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि उस पॉपुलेशन की डेंसिटी हमें पता चल सके या उस पॉपुलेशन का साइज हमें पता चल सके, तो हमें क्या करना होगा, हमें जो है एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब आप सोचोगे फॉर्मूले का इस्तेमाल करने की क्या जरूरत है। जस्ट थिंक अबाउट द सिनेरियो कि आप एक पॉन्ड में जाकर एक एक मछलियां गिन रहे हो। क्या ये पॉसिबल है कि आप एक्यूरेट साइज पे पहुंच जाओ या साइज को एस्टिमेट भी कर पाओ? सो द आंसर इज नो। तो इसीलिए एक रफली टेक्निक यूज किया जाता है जिसमें कि हम साइज को एस्टिमेट कर सकते हैं एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन के। करना क्या होता है, एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन से पहले हमें एक रैंडम बेसिस पे कुछ नंबर ऑफ इंडिविजुअल को सैंपल करना होता है। सैंपल वन मान लेते हैं। मान लीजिए आपने 100 जो है मछलियां पकड़ी और उन सबको टैग कर दिया। टैग यानी कुछ आइडेंटिफिकेशन मार्क लगा देना। टैग करने के बाद आपने उसको वापस से रिलीज कर दिया उसी पॉन्ड में जहां से आप उसे लेकर आए थे। देन उसके बाद आपने रिकैप्चर किया। रिकैप्चर का मतलब होता है दोबारा से कुछ रैंडम नंबर ऑफ फिशेस को आपने पकड़ लिया। जब आप उसको काउंट कर रहे हो तो रिकैप्चर को हम सैंपल टू का भी नाम देते हैं, सैंपल टू। सैंपल टू की खासियत क्या होती है कि इसमें आपको अनमार्क इंडिविजुअल भी मिलेंगे, मार्क इंडिविजुअल भी मिलेंगे। तो फाइनली जो हमारे पास फॉर्मूला आता है वो ये होता है कि जो साइज होता है पॉपुलेशन का, इसके लिए हमें चाहिए सैंपल वन। इसके अलावा जितना हमने टोटल सैंपल टू में इंडिविजुअल को कैप्चर किया वो, और कितने नंबर ऑफ मार्क्ड इंडिविजुअल हमें सैंपल टू में मिलेंगे। इस तरीके से करके हमें मार्क रिकैप्चर टेक्निक की मदद से हम पॉपुलेशन को एस्टिमेट कर पाते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेंशन है एन इज इक्वल्स टू टोटल इंडिविजुअल मार्क्ड इन अ फर्स्ट सैंपल इनटू द साइज ऑफ द सेकंड सैंपल डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ मार्क्ड इंडिविजुअल रिकैप्चर इन द सेकंड सैंपल। जैसे कि मान लेते हैं एग्जाम्पल, हमने यहाँ सैंपल 100 लिया। मान लेते हैं सैंपल टू जो हमने कैप्चर किया था वो है 100 ही ले लेते हैं। नेक्स्ट मान लेते हैं कि इसमें से जो मार्क निकला, मार्क था 10, तो आपको पॉपुलेशन साइज एस्टिमेट करना है, तो ये हो गया 100 इंटू 100 और नंबर ऑफ मार्क इंडिविजुअल इसमें कितने निकले हैं, 10, तो ये हो गया लगभग 1000। यानी उस पॉन्ड में फिश के जो पॉपुलेशन था उसको हम 1000 मान सकते हैं एस्टिमेशन बेसिस पे, यानी हमने ये जस्ट एस्टिमेट किया है। तो ये हो गया एक फॉर्मूला। ओके, सेकेंड फॉर्मूला आता है हमारे सामने डिस्पर्शन को कैलकुलेट करने का। डिस्पर्शन का मतलब होता है किसी भी एरिया में एक पॉपुलेशन कैसे फैली हुई है, कैसे डिस्पर्स है, कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसके बेसिस पे तीन टाइप की पॉपुलेशन पाई जाती है। एक होता है रैंडम डिस्पर्शन, नेक्स्ट इज क्लम्प डिस्पर्शन एंड लास्ट इज यूनिफॉर्म डिस्पर्शन। रैंडम में पॉपुलेशन कहीं भी रैंडमली देखी जाती है, उसमें कोई पैटर्न फॉलो नहीं होता है। क्लब में पॉपुलेशन ग्रुप में देखी जाती है, जो कि मैक्सिमम सोशलाइज ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें देखी जाती है। यूनिफॉर्म डिस्पर्शन होता है कि इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करके ऑर्गेनिज्म रहना पसंद करते हैं। तो ये हो गया अलग अलग डिस्पर्शन का छोटा छोटा करके डेफिनेशन। लेकिन इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। न्यूमेरिकल आता है कि आपको डिस्पर्शन निकालना है और डिस्पर्शन की जो वैल्यू आएगी उसके बेसिस पे बताना है कि वो पॉपुलेशन किस टाइप के डिस्पर्शन को फॉलो कर रही है। फॉर्मूला होता है डेल्टा इज इक्वल टू वेरियंस अपॉन मीन। आपको क्वेश्चन में वेरियंस और मीन दोनों की वैल्यू दी होगी। अगर इन केस इनको सॉल्व करने पे अगर आपका डेल्टा इक्वल्स टू वन आता है
तो वो बता रहा होता है कि पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम है। अगर डेल्टा ग्रेटर देन वन आता है तो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्पर्शन क्लम्प्ड है, और अगर अगर डेल्टा लेस देन वन आता है तो इट इज यूनिफॉर्म। इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि क्लम्प्ड की अगर हम बात करें, अगर वेरियंस मीन से बड़ा है, या फिर आप कह सकते हो वेरियंस डिवाइडेड बाय मीन, इफ इट इज ग्रेटर देन वन तो पॉपुलेशन क्लम्प्ड है। तो क्वेश्चन इस फॉर्म में भी आ सकता है, और इस फॉर्म में तो मैंने आपको बता ही दिया, इन दोनों में से किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है, फॉर्मूला पिक करने को आ सकता है या वैल्यू देने को आ सकता है। वैल्यू आपको दी जाएगी, आपको फॉर्मूले में पुट करना है, जो आपके नंबर निकलेंगे उसको देखना है कि वो वन से बराबर है, वन से ग्रेटर है या वन से छोटा है। थर्ड आता है जहां पे हम ज्योमेट्रिक ग्रोथ फॉर्मूले की बात करते हैं। ये पॉपुलेशन ग्रोथ के का जो चैप्टर है उसमें आता है, जिसमें एक ग्रोथ फॉर्मूला होता है जिसे हम ज्योमेट्रिक ग्रोथ के लिए लेते हैं। तो इसमें दो मेजर फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला है nt इज इक्वल्स टू n नॉट r नॉट टू दी पावर t। यहाँ nt फाइनल पॉपुलेशन के लिए हमने दिया है, जो एक टाइम t पे देखी जा रही है। तो r यहाँ पे n नॉट क्या होता है, n नॉट होता है इनिशियल नंबर ऑफ पॉपुलेशन, इनिशियली पॉपुलेशन का साइज कितना है। r नॉट होता है यहाँ पर नेट रिप्रोडक्टिव रेट, वो भी फॉर्मूले में आपको दिया जाता है। t यहाँ पर होता है नंबर ऑफ जनरेशन, वो भी आपको दिया जाता है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर टोटल जो वैल्यू है वो है टोटल चार वैल्यू, एन टी, एन नॉट, आर नॉट, टी। ये चारों में से कोई भी तीन वैल्यू आपको दी जा सकती है और फोर्थ वन आपसे पूछा जा सकता है। इसी में एक और वैल्यू आती है जो कि सेम इसी फॉर्मूले के जैसी है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। जहां पे हम यहाँ पे आर नॉट ले रहे थे जो कि है नेट रिप्रोडक्टिव रेट, दूसरे फॉर्मूले में हम लैम्डा लेते हैं। लैम्डा होता है इनफाइनाइट रेट ऑफ इंक्रीज। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि एक पॉपुलेशन फर्स्ट ईयर में कितनी थी एंड नेक्स्ट ईयर में कितनी है, उसको डिवाइड करके जो है हमें लैम्डा मिलता है, दैट इज एन वन डिवाइडेड बाई एन नॉट। इसके बाद इसकी वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं। ये फॉर्मूला है एन टी इज इक्वल टू एन नॉट लैम्डा टू दी पावर टी, जहां पे टी आपको टाइम इंटरवल के बारे में बता रहा होता है। सिंपल भाषा में अगर समझने की कोशिश करें तो अगर सवाल में पूछा है कि थर्ड जनरेशन के बाद पॉपुलेशन का साइज कितना होगा, तो जनरेशन का मेंशनिंग कर दिया तो फॉर्मूला आप यूज करोगे ये, और अगर बोल दिया कि बताइए एक साल बाद पॉपुलेशन कैसी होगी, तो यहाँ पे पर्टिकुलर टाइम इंटरवल बोला है, ईयर में मेनली नंबर ऑफ ईयर में बोला गया है, तो आप फॉर्मूला यूज करोगे ये। अगर हम आर नॉट एंड लैम्डा के डिफरेंसेस की बात करें तो R नॉट जो है यहाँ पे नेट रिप्रोडक्टिव रेट होता है पर जनरेशन, जबकि लैम्डा होता है फाइनाइट रेट ऑफ पॉपुलेशन चेंज ओवर द टाइम इंटरवल, मेनली एक साल में देखा जाता है जब। और बाकी जो फॉर्मूले हैं उसमें थोड़ा सा चेंज है, पूरा फॉर्मूला सेम दिख रहा है आपको, सिर्फ R नॉट एंड लैम्डा में चेंजेस आपको दिख रहे हैं। ऑफकोर्स टी में भी चेंज है। फर्स्ट फॉर्मूले में टी का मतलब होता है नंबर ऑफ जनरेशन, सेकेंड फॉर्मूले में टी का मतलब होता है नंबर ऑफ टाइम इंटरवल। नेक्स्ट, अगर पॉपुलेशन ग्रो कर रही है तो वैल्यू कैसे आएगी, चाहे आर नॉट हो चाहे लेमडा हो, दोनों ही ग्रेटर देन वन आएगा। अगर पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही है तो आर नॉट एंड लेमडा दोनों ही लेस देन वन आएगा, और अगर पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम में है तो आर नॉट एंड लेमडा दोनों ही इक्वल्स टू वन आएगा। तो ये था ऑल अबाउट ज्योमेट्रिक ग्रोथ फॉर्मूला। नेक्स्ट पे आते हैं हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फॉर्मूले पे। तीन टाइप के ग्रोथ देखे जाते हैं, ज्योमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, लॉजिस्टिक। ज्योमेट्रिक हमने कर लिया, एक्सपोनेंशियल की हम बात करते हैं। एक्सपोनेंशियल में भी काफी फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला है एन टी इक्वल्स टू एन नॉट ई टू द पावर आर टी। नेक्स्ट, डीएन बाई डी टी इक्वल्स टू आर एन। ये मेजर फॉर्मूला है जो कि मैक्सिमम जगह पर यूज होता है। नेक्स्ट, अगर इस आर का पता लगाना है हमें तो आर होता है आर इज इक्वल्स टू बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। इसको आप यहाँ पे सब्सिट्यूट करके इस फॉर्मूले को ऐसा भी लिख सकते हो। अगर हम बात करें एक ऐसे पॉपुलेशन की जिसमें इमिग्रेशन एंड इमाइग्रेशन दोनों होता है बर्थ एंड डेथ के साथ साथ, तो उसका आर कुछ इस तरीके से निकाला जाता है कि जो चीज गेन करवा रही है उसको प्लस कर दो और जो चीज लॉस करवा रही है उसको आपस में प्लस करके दोनों को माइनस कर दो, यानी बर्थ प्लस इमिग्रेशन माइनस डेथ प्लस इमाइग्रेशन। इमाइग्रेशन यानी एग्जिट लेना, इमिग्रेशन यानी एंट्री लेना। इसके अलावा मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत लंबे ड्यूरेशन के बाद पूछ देता है कि पॉपुलेशन का साइज कितना होगा, तो आप एनटी यानी फाइनल पॉपुलेशन हो जाएगा
एन नॉट यानी इनिशियल पॉपुलेशन, और जितना पॉपुलेशन में बदलाव आया डीएन बाई डी टी जितना आया उतना आप प्रेजेंट कर सकते हो। इसके अलावा कभी कभी क्या होता है कि किसी फॉर्मूले में फाइनल पॉपुलेशन दे दी जाती है, इनिशियल भी दे दी जाती है, और आपसे आपको आर नहीं पता होता और उस फॉर्मूले में आर की जरूरत है, तब जो है आर इक्वल्स टू एन टी माइनस एन नॉट डिवाइडेड बाई एन नॉट आप कर सकते हो। इस फॉर्मूले से भी आपके काफी सवाल जो है सीधे हो जाते हैं डायरेक्टली। डबलिंग टाइम के लिए भी पूछा जाता है, डबलिंग टाइम होता है एल एन टू इक्वल्स टू आर डी, या फिर आप कैसे आप फिर इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो कि टी डी इक्वल्स टू एल एन टू डिवाइडेड बाई आर, यहाँ पे एल एन टू की वैल्यू 0.7 आप कंसिडर कर सकते हो। तो ये था एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व का फॉर्मूला। नेक्स्ट आते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व के बारे में बात कर लेते हैं। लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व का फॉर्मूला होता है डीएन बाई डी टी इक्वल्स टू आर एन के माइनस एन अपॉन के, जहां भी डीएन बाई डी टी है वो रेट ऑफ पॉपुलेशन चेंज बता रहा है, आर यहाँ पे पर कैपिटा रेट बता रहा है, एन पॉपुलेशन साइज बता रहा है, के कैरिंग कैपेसिटी बता रहा है। तो ये पर्टिकुलर जो ओवरऑल हमारा फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से हो जाता है लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व का। मान लीजिए बोला गया है कि मैक्सिमम ग्रोथ कब मिलता है, मैक्सिमम ग्रोथ तब मिलता है जब पॉपुलेशन का साइज के बाई टू के बराबर होता है, यानी पॉपुलेशन जो है हाईएस्ट ग्रो कर रही होती है जब वो हाफ ऑफ द कैरिंग कैपेसिटी को रीच करती है। ओके, तो ये ग्रोथ कर्व से रिलेटेड फॉर्मूला हो गया। हमारे पास आता है लाइफ टेबल। लाइफ टेबल थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला अगर हम उनको डील करने की कोशिश करते हैं तो, क्योंकि इसको हम तब तक नहीं समझ सकते हैं जब तक कुछ क्वेश्चन ना हो, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। जैसे कि लाइफ टेबल में मेनली जो है नेट रिप्रोडक्टिव रेट को निकाला जाता है। नेट रिप्रोडक्टिव रेट को निकालने का तरीका क्या होता है, समेशन ऑफ एल एक्स एम एक्स। एल एक्स पता होना, समेशन का मतलब क्या होता है, सारी वैल्यू को लेकर एड कर देना, राइट, सम कर देना। एल एक्स क्या होता है, एज स्पेसिफिक सर्वाइवरशिप। एम एक्स क्या होता है, एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी। एम एक्स तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन में दिया होगा, एल एक्स आपको निकालना पड़ता है। कैसे निकालते हैं इसके बारे में भी हम बात करेंगे। जैसे कि मान लीजिए एक पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में एज को हम एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल होंगे उस एज में उसको हम एन एक्स लिखेंगे। सर्वाइवरशिप एट स्पेसिफिक एज ग्रुप उसे हम एल एक्स मान के चलेंगे, और एल एक्स को निकालने का तरीका होता है कि जितना एन एक्स होगा डिवाइडेड बाई एन नॉट। मैं इसको निकाल के भी आपको दिखा दूंगी। डेथ की अगर हम बात करें डीएक्स की, तो ये हो जाएगा एन एक्स माइनस एन एक्स प्लस वन। ए स्पेसिफिक मोर्टालिटी रेट की बात करें तो ये प्रेजेंट होता है क्यू एक्स के थ्रू, जो कि होता है डीएक्स डिवाइडेड बाई एन एक्स। फर्टिलिटी एम एक्स के थ्रू रिप्रेजेंट की जाती है, और नेट रिप्रोडक्टिव रेट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला ये यूज किया जाता है। इसमें भी यहाँ पे रूल क्या फॉलो होता है कि अगर पॉपुलेशन में आर नॉट ग्रेटर देन वन आ रहा है तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, इक्वल्स टू वन आ रहा है तो पॉपुलेशन में जो है स्टेबिलिटी है, यानी इक्विलिब्रियम में है पॉपुलेशन, और अगर आर नॉट जो है लेस देन वन आ रहा है तो पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है। अब जरा सा हम समझते हैं कि इसको निकालना कैसे है। ये आपके सामने एक एग्जाम्पल देकर रखा गया है, ठीक है, इसको फिलअप करना है। मैंने क्या किया है, मैंने इसको ऑलरेडी फिलअप करके रखा है। जैसे कि मैक्सिमम फॉर्मूले में आपसे एल एक्स पूछेगा और एम एक्स देखिए दे के रखा है। एल एक्स को निकालने का तरीका आप देख सकते हैं, एल एक्स को निकालने का तरीका है कि जो वैल्यू एन एक्स पे है उसे एन नॉट से डिवाइड कर देना है। एन क्या होता है, यहाँ पे देखिए एन एक्स यहाँ पे दे के रखा है, ये है एक्स एज ग्रुप, और उस एज ग्रुप में कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल है, जैसे कि फर्स्ट एज ग्रुप में है 1000, सेकेंड में 700, इस तरीके से। तो ये जो वैल्यू है ये हो जाएगी एन वन एन टू एन थ्री एन फोर एन फाइव। तो अब हम जब एल एक्स निकालते हैं तो एन एक्स डिवाइडेड बाई एन नॉट करते हैं। अगर हम एल वन निकालेंगे तो हम कहेंगे एन वन डिवाइडेड बाई एन नॉट। एल वन क्या हो जाएगा, ये एल एक्स है तो ये हो जाएगा एल वन, ये हो जाएगा एल टू, दिस विल बी एल थ्री एल फोर एल फाइव। इसी तरीके से अगर आपको एल टू निकालना है तो आप करोगे एन टू डिवाइडेड बाई एन नॉट। तो जैसे कि यहाँ पे एन वन कितना है, एन वन यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे एन वन और एन नॉट दोनों बराबर ही है, तो आप चाहो तो अगर इसको आप एन नॉट करते हो तो आपको सबको एन नॉट करना पड़ेगा, और अगर आप इसको वन लेकर चलते हो तो जो जहां पे आपने एन नॉट लिया है वहां पे एन वन आपको लेना पड़ेगा। आई होप यू आर गेटिंग, यानी इनिशियल वैल्यू को सारी वैल्यू से डिवाइड करना है अगर आपको एल निकालना है तो। जैसे कि यहाँ पर अगर देखा जाए 1000 डिवाइडेड बाई 1000 वन आ गया, 700 डिवाइडेड बाई 1000 0.7 आ गया, 500 डिवाइडेड बाई 1000 0.5, 300 डिवाइडेड बाई 1000 0.3, 150 डिवाइडेड बाई 1000 0.15। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है मैं फिर से आपको समझा के बताती हूँ।
क्योंकि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। तो इस क्वेश्चन, ये तो रहा फॉर्मूला, ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन कहता है L1 निकालने के लिए हमें N1 डिवाइडेड बाई N1 करना पड़ेगा जो कि आ गया 1। L2 निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा N2 डिवाइडेड बाई N1। सिमिलर गोज विद L3 निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा N3 डिवाइडेड बाई N4। L4 निकालने के लिए करना पड़ेगा हमें N4 डिवाइडेड बाई N1। होप यू आर गेटिंग। इस तरीके से करके हमारे पास L की वैल्यू चली जाएगी। और यहाँ पे हमें समेशन बोला है, तो हमने समेशन के लिए यहाँ पे अलग से कॉलम बना लिया है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों वैल्यू को इंटू कर देना है, 1 इंटू 1.0 ही आ गया। mx आपको हर क्वेश्चन में दिया होगा, उसके लिए आपको मतलब कि किसी भी एंगल से जो है सोचने की जरूरत नहीं, आपको हमेशा क्वेश्चन में प्रोवाइडेड होगा। आपको बस समेशन ऑफ lx mx कर लेना, समेशन हमने यहीं पे कर लिया टोटल। अब अगर हम बात करते हैं n, मान लीजिए कोई n की वैल्यू नहीं दी गई है तो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला होता है dx इज इक्वल्स टू n1 माइनस n2। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर फॉर्मूला जो दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग आपको निकालना है। जैसे कि मान लीजिए आपको d3 यहाँ निकालना है, तो d3 निकालने का तरीका क्या होता है, d3 निकालने का तरीका होता है n3 माइनस n4। ठीक है, d4 अगर निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है, n4 माइनस n5, यानी एक वैल्यू प्लस कर लेनी है। देखिए ये वाला जो फॉर्मूला है उसमें पुट कर देना है, इसी तरीके से सारा वैल्यू निकल जाएगा। इस फॉर्मूले से आप n3, n4, d3 तीनों ही निकाल सकते हैं, बस दो वैल्यू गिवन रहनी चाहिए। और जो लास्ट में वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी लगभग, इसको जब सबको प्लस करोगे आप तो ये वैल्यू चली आएगी 2.30। 2.30 क्या है, r0 निकल के चला आया। तो लाइफ टेबल इस तरीके से जो है किया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पे एक डिटेल लेक्चर प्रोवाइड करूं लाइफ टेबल से रिलेटेड, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं कोशिश करूंगी कि एक डिटेल लेक्चर आपको करवाया जाए और डिटेल में समझाया जाए कि इसको कैसे सॉल्व करना है। बट यस, जैसे कि मैं यहाँ पे फॉर्मूला से सिर्फ डील कर रही थी, मैंने कोशिश की कि जितने तरीके से हो सके उतने तरीके से मैं आपको फॉर्मूला बेस्ड तरीके से बता सकूं। नेक्स्ट आता है हमारे पास लॉटका-वोल्टेरा मॉडल इक्वेशन। लॉटका-वोल्टेरा मॉडल इक्वेशन मेनली कॉम्पिटिशन मॉडल से रिलेटेड है, तो इसको हम कैसे डील कर सकते हैं। देखिए, अगर स्पीसीज, कोई भी स्पीसीज अकेले ग्रो कर रही है तो वो बिल्कुल वैसे ग्रो करेगी जैसे लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व को हम देखते हैं, दैट इज डी एन वन बाई डी टी आर वन एन वन के माइनस एन अपॉन के, क्योंकि स्पीसीज वन है तो हमने हर जगह पे वन वन लगा दिया है। स्पीसीज टू के लिए अगर देखा जाए तो डी एन टू बाई डी टी इक्वल्स टू आर टू एन टू के टू माइनस एन टू डिवाइडेड बाई के टू। ये है लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व फॉर स्पीसीज वन एंड स्पीसीज टू व्हेन दे आर ग्रोइंग अलोन। लेकिन जब स्पीसीज वन ग्रो कर रहा है वहां पे स्पीसीज टू अपनी एंट्री ले ले, तब क्या होगा, फॉर्मूला कैसे चेंज होता है। डी एन वन बाई डी टी इक्वल्स टू आर वन के वन सॉरी आर वन एन वन के वन माइनस एन वन डिवाइडेड बाई के वन, सारा फॉर्मूला ऐसा ही है, बस इतना वैल्यू एड हो गया है। कॉम्पिटिशन इज अ नेगेटिव इम्पैक्ट सो वी आर पुटिंग द माइनस हियर। उसके अलावा यहाँ पे जो इफेक्ट होगा टू स्पीसीज का वन पे होगा, सो अल्फा वन टू बिकॉज टू इज मेकिंग इफेक्ट ऑन वन, और टू का क्या इफेक्ट डाल रहा है, पॉपुलेशन साइज इफेक्ट डाल रहा है, सो दैट इज वाई एन टू। इस तरीके से करके ये फॉर्मूला बन जाता है। सिमिलर बेसिस पे जहां स्पीसीज टू अकेला ग्रो कर रहा है और वहां पे स्पीसीज वन चला है, तो यहाँ पे सारा फॉर्मूला ऊपर वाला ही रहता है, सिर्फ इतना वैल्यू नया ऐड हो जाता है, दैट इज स्पीसीज वन का इफेक्ट स्पीसीज टू पे, दैट इज वाई माइनस अल्फा टू वन, और स्पीसीज वन का पॉपुलेशन साइज इफेक्ट डालता है, दैट इज वाई एन वन। तो यहाँ पे अल्फा वन टू क्या है, अल्फा टू वन क्या है, सब कुछ लिखा हुआ है। एन वन एन टू पॉपुलेशन वन और टू का साइज है रेस्पेक्टिवली, आर वन आर टू पॉपुलेशन वन का यहाँ पर रेट है एज वेल एज आर टू पॉपुलेशन टू का रेट है। इस तरीके से करके ये फॉर्मूला हम, ये जो लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व का फॉर्मूला है, इसे ही हम यहाँ पे मॉडिफाई कर देते हैं। नेक्स्ट आता है मैक्सिमम सस्टेनेबल यील्ड। मैक्सिमम सस्टेनेबल यील्ड का फॉर्मूला होता है आर के बाई टू, यानी एक तरीके से ये बिल्कुल वैसा ही आपको ग्राफ दिख रहा है जैसा लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व का होता है। लेकिन कभी कभी किसी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मैक्सिमम सस्टेनेबल यील्ड कितना होगा, सो इट इज हैविंग अ डायरेक्ट फॉर्मूला, दैट इज आर के बाई टू, के इज द कैरिंग कैपेसिटी, आर इज द इंटेंसिक रेट ऑफ इंक्रीज, उसको टू से डिवाइड कर देना, आपके पास एम एस वाई की वैल्यू चली जाएगी। नेक्स्ट आता है स्पीसीज डाइवर्सिटी इंडेक्स, जिसमें हम सिम्पसन्स डाइवर्सिटी इंडेक्स को लेते हैं। इसमें हम डोमिनेंस को मेजर करते हैं और इसके टोटल दो फॉर्मूले हमारे पास, दोनों में से किसी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला इज समेशन ऑफ स्मॉल एंड डिवाइडेड बाई कैपिटल एंड टू द पावर होल स्क्वायर, और
डी इक्वल्स टू समेशन ऑफ स्मॉल एन एन माइनस वन डिवाइडेड बाय कैपिटल एन माइनस वन। यहाँ पर स्मॉल एन होता है एक स्पीसीज में नंबर ऑफ मेंबर जो होते हैं, और कैपिटल एन होता है टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, जैसे कि ये हो जाएगा कैपिटल एन और ये वाली वैल्यू हो जाएगी स्मॉल एन, ये यहाँ पर देके रखा है। इतना ही नहीं, ये तो फॉर्मूला है ही, इसके अलावा एक और फॉर्मूला है ds इज इक्वल टू समेशन ऑफ pi स्क्वायर। ये जो वैल्यू आएगी उसी का सबको आपको स्क्वायर कर देना है। ठीक है, और इस तरीके से हम देख सकते हैं pi क्या होता है। pi होता है, pi निकालने का तरीका होता है स्मॉल n डिवाइडेड बाय कैपिटल n। कैपिटल n है ये और स्मॉल n है ये, इसके लिए स्मॉल n ये, n1 ये हो गया, n2, n3, n4, n5। तो 100 डिवाइडेड बाय 200 0.550 डिवाइडेड बाय 200 0.25। इसकी जो वैल्यू आएगी फिर इसी को स्क्वायर कर देना है और सबको समेशन कर लेना है, सबको प्लस कर लेना है, आपके पास वैल्यू चली आएगी ds की। फाइन, तो इस तरीके से ये फॉर्मूला यहाँ पे लगाया जाता है। d का वैल्यू अगर इक्वल्स टू जीरो आता है तो हम इनफाइनाइट डाइवर्सिटी कंसिडर करते हैं, जबकि d का वैल्यू अगर इक्वल्स टू वन आता है तो हम नो डाइवर्सिटी कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट आता है शानॉन डाइवर्सिटी इंडेक्स। ये भी ऑफ कोर्स स्पीशीज के रिचनेस को ही मेजर करने में मदद करता है, और इसको भी निकालने का सिंपल सा तरीका है। इसमें अबंडेंस यहाँ पे देख के रखा है, आपको पीआई निकालना है। पीआई निकालने का वापस से वही तरीका है कि ये सारी वैल्यू एन है एंड सो ऑन, और ये वाली वैल्यू कैपिटल एन है। इसमें क्या करना होता है पीआई निकालने के लिए, वही है स्मॉल एन डिवाइडेड बाई कैपिटल एन, तो आपके पास पीआई की वैल्यू चली आएगी। लेकिन यहाँ पे आपको फॉर्मूले में देख के रखा है माइनस ऑफ समेशन पीआई एल एन पीआई, तो आपको पीआई एल एन पीआई निकालना है और सबका समेशन कर देना है, आपकी जो आंसर है वो यहाँ पे निकल जाएगा। तो ये भी बिल्कुल वैसा ही मतलब कि ओवरऑल करने का इसका मेथड वैसा ही है जैसा अभी अभी जस्ट हमने सिम्पसन्स में देखा था। बस यही है, यहाँ पे एक माइनस साइन का एडिशन होके रखा है और यहाँ पे पीआई एल एन पीआई देके रखा है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास चला आता है एफिशिएंसी से रिलेटेड फॉर्मूले, जिसमें हम कंजम्पशन एसिमिलेशन एंड प्रोडक्शन एफिशिएंसी को देखते हैं। पहला चला आता है कंजम्पशन एफिशिएंसी, यानी कितना कंज्यूम किया गया, किसको कंज्यूम किया जाएगा, जो प्रीवियस लेवल पे जितना प्रोडक्शन हुआ होगा उसी को कंज्यूम किया जाएगा या इंजेस्ट किया जाएगा। तो फॉर्मूला होता है आई एन डिवाइडेड बाई एक नीचे लेवल पे जो प्रोडक्शन हुआ है, दैट इज प्रोडक्शन एन माइनस वन इन टू हंड्रेड, दैट इज वॉट कॉल द कंजम्पशन एफिशिएंसी। ऑल दो इन सारे फॉर्मूले पे अभी तक क्वेश्चन तो नहीं आए हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो नहीं आए हैं, लेकिन यस फॉर्मूला सेलेक्ट करने को आ सकता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास एसिमिलेशन एफिशिएंसी, जिसमें कि ये आपको मालूम पड़ता है कि जिस लेवल पे जितना इंजेस्ट किया था उनमें से कितना परसेंट एसिमिलेट हुआ इन टू हंड्रेड करते हैं, इसको हम कहते हैं एसिमिलेशन एफिशिएंसी। That is ingestion at tropic level n and as well as assimilation at same tropic level. Last आता है production efficiency. या production efficiency में हम क्या कहते हैं कि जितना assimilate किया गया उसमें से कितना इस्तेमाल हुआ production के लिए in 200. So production at tropic level n divided by जितना assimilate किया गया था उस level पे in 200 कर देते हैं, हमारे पास production efficiency चला आता है। इसमें जो सवाल आते हैं वो थ्योरेटिकल ज्यादा आते हैं कि किस इकोसिस्टम में या कौन से टाइप के ऑर्गेनिज्म में प्रोडक्शन एफिशिएंसी ज्यादा होती है, सिमुलेशन एफिशिएंसी ज्यादा होती है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो कि थ्योरेटिकल बेसिस पे कन्वर्ट हो जाते हैं, आप उनकी भी केस स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास फूड वेब इन इकोसिस्टम, इनमें भी कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे कि चेन का लेंथ आप फूड वेब में कैसे पता कर सकते हैं, तो एवरेज नंबर ऑफ लिंक्स बिटवीन द ट्रॉपिक लेवल डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल। कनेक्टेंस आप कैसे पता कर सकते हैं फूड वेब में, एक्चुअल नंबर ऑफ लिंक जो फूड वेब में प्रेजेंट रहेंगे डिवाइडेड बाय पोटेंशियल नंबर ऑफ लिंक इन द फूड वेब। अब नंबर ऑफ पोटेंशियल लिंक कैसे आप पता कर सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू कैपिटल एन स्मॉल एन एन माइनस वन डिवाइडेड बाय टू। स्मॉल एन यहाँ पे होता है नंबर ऑफ स्पीसीज। लिंकेज डेंसिटी कैसे पता कर सकते हैं, एक्चुअल नंबर ऑफ लिंक इन द फूड वेब डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्पीसीज इन द फूड वेब। इन पे ऑलरेडी फॉर्मूला पिक करने के लिए सवाल आया था कि चेन लेंथ का फॉर्मूला बताइए क्या होता है, लिंकेज डेंसिटी का फॉर्मूला बताइए क्या होता है। ओके, सो इसके साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला थे इकोलॉजी में, मैंने कोशिश की आपके सामने रखने की। कुछ एक आध अगर मिस हो गए हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप अपने दोस्तों की मदद कर सकते हैं, मेरे एंड से जितना मैं खोज पाई उतना मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया। हो सकता है कुछ एक आध फॉर्मूले हमसे मिस भी हुए हों, तो वो आप अपने एंड से भी नोट डाउन करके रख सकते हैं। इन सारे फॉर्मूलेस को भी आप नोट डाउन कर लीजिए, और आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करके आप अपने दोस्तों की भी मदद कर सकते हैं।
उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स जो कि सिमिलर टाइप के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें एंड ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला। मिलते हैं बहुत ही जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग।